कक्षा 10 की छात्र छात्राएं ध्यान में, हमने आपको आज से पहले विश्वकवि रविंद्रा नामक पाठ के अंतर्गत सांस्कृतिक क्षेत्र तक के बाद जो शिक्षा लिखा हुआ है उसका हेडिंग, तो शिक्षा से पहले पढ़ा दिया था। तो आज रविन्द्रनाथ जी की शिक्षा के संदर्भ में हमें आपको पढ़ाना है, तो सभी छात्राएं और छात्र ध्यान दें। रविन्द्रस्य प्राथमिकी शिक्षा गृहे एव जाता। रविन्द्रस्य माने रविन्द्रनाथ जी की, प्राथमिकी माने प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा जो थी, गृहे एव जाता, गृहे माने घर पर ही, जाता माने हुई। शिक्षण बंग भाषा या प्रारवत, उनका जो पढ़ाई का कार्य था, जो शिक्षण कार्य था, वो बंग भाषा या माने बंगला भाषा में प्रारवत माने प्रारंभ हुआ। प्रारंभिकम विज्ञानम, इनके विषय थे प्रारंभिक विज्ञान, संस्कृतम, संस्कृत, गणकमिति, गणित, इति त्रयो पाठ्य विषया अभूवन। इति माने इस प्रकार से, इनके त्रियो माने तीन, पाठ्य विषया माने पढ़ाए जाने वाले विषय, अभूवन माने हुए, मतलब इनको तीन विषय पढ़ाए गए, प्रारंभिक विज्ञान, संस्कृत, गणित, ये तीन विषय। प्रारंभिक गृह शिक्षायाम सप्ताह समाप्ताया बालका उत्तर कालकता नगरस्य ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय प्रवेशम अलवर। कहते प्रारंभिक गृह शिक्षाया, प्रारंभिक गृह शिक्षा के समाप्ताया माने समाप्त हो जाने पर, पहले जो घर पर शिक्षा दी गई उसके समाप्ताया माने समाप्त हो जाने पर, वालका माने बालक रविन्द्रनाथ टैगोर को उत्तर कालकता नगरस्य, कहते उत्तर कलकत्ता नगर के ओरिएंटल विद्यालय का नाम है, तो कहते ओरिएंटल सेमिनार, ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय माने विद्यालय में प्रवेशम अवलब अलवत माने प्रवेश किया। जब प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसके बाद कहते हैं आगे की शिक्षा के लिए उन्हें ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया। तदनंतरम नॉर्मल विद्यालय गतवान, तदनंतरम माने इसके पश्चात नॉर्मल विद्यालय में गतवान माने गए। परम पुत्रापि, परम माने परम पुत्रापि माने कहीं पर भी, मनो ना रमते इसमा, कहते मनो माने मन, ना माने नहीं, रमते इसमा माने लगता था, परंतु कहीं पर भी इनका मन नहीं लगता था। सर्वत्र अध्यापका नाम स्वेच्छाचारणम, सर्वत्र अध्यापका नाम स्वेच्छाचरणम, सहपाठिनाम तुच्छ रुचि, अप्रियान सुवावश्य विलोक की मनो ना रहे। कहते सर्वत्र माने हर जगह, अर्थात जिस विद्यालय में भी जाते वहां पर अध्यापका नाम माने अध्यापकों की स्वेच्छाचरणम, कहते सुगमता पूर्वक उनका आचरण था, स्वेच्छाचारिता जो थी। सहपाठिना माने और अपने सहपाठियों के साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की तुच्छ रुचि, उनकी तुच्छ रुचि, और अप्रियान स्वभावश, और अप्रियान माने अप्रिय, स्वभावश माने स्वभाव को विलोक माने देख करके मनो ना रहने, मनो माने मन, ना माने नहीं, रहने माने लगा, इनका मन वहां पर नहीं लगा। अतः शून्यायाम घटिकायाम मध्यावकाशी चा एकांतिकम जीवनम बालकाय रोषते स्म। अतः माने इसलिए शून्यायाम माने खाली, घटिकायाम माने घंटे में, मध्यावकाशी चा माने और मध्यावकाशी माने अपराह्न, जो बीच में मध्यान्ह जो अवकाश होता है उस मध्यान्ह अवकाश में भी एकांतिकम जीवनम, उनको एकांतिक जीवन, बालकाय माने बालक को रोषते स्म माने अच्छा लगता था। रविन्द्रनाथ टैगोर जो बच्चे हैं थे उस समय, तो उनको अपना एकांतिक कहते हैं अकेलेपन का जीवन ज्यादा अच्छा लगता था। वालकसी मना विद्यालय सुख ना रमते, कहते वालकसी माने बालक का, मना माने मन,
विद्यालयसु माने विद्यालयों में ना जाने नहीं रमते इतमा माने लगता था कि चिंते, ऐसा सोच करके जल को देवेदना था। त्रिसप्तति अधिका अष्टादश सप्तमे ख्रिष्टाब्दे सुनोरुपाय संस्कार विधाय तम फेर साल में हिमालय मनय। कहते ऐसा सोच करके जल को माने उनके पिता अर्थात रविनाथ जी के पिता देवेंद्रनाथ ने त्रिसप्तति, त्रि माने तीन, सप्तति माने कहते सत्तर अर्थात तिहत्तर, अष्टादश सप्तमे माने अठारह सौ अर्थात अठारह सौ तिहत्तर ख्रिष्टाब्दे माने ईस्वी वर्ष में सुनोर माने पुत्र का उपनयनम संस्कार, उपनयन संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार या देहात में जिसे जनेऊ कहते हैं वो जनेऊ संस्कार विधाय माने करके तम माने उसको अर्थात उस बालक को स्वयं सार्थ में स्वयं माने अपने साथ माने साथ ही हिमालय अनियत, हिमालय माने हिमालय पर अनियत माने ले गए। तत्र पितु संपर्केण बालकस्य मनः स्वच्छता आवजन। कहते तत्र माने वहां पर, पितु माने पिता के संपर्केण माने संपर्क संपर्क से, बालकस्य माने बालक का मना माने मन स्वच्छता आवजन स्वच्छ हो गया। तत्तस्य तत्रत्यस्य भवनस्य पृष्ठभागे हिमाच्छादिता प्रेम पर्वत श्रेणिया आसन। तत्रत्य माने वहां पर, अस्य माने इनके, भवनस्य माने भवन के पृष्ठभागे माने पीछे हिमाच्छादिता, हिम माने बर्फ से आच्छादिता माने ढकी हुई, पर्वत श्रेणिया आसन माने थी अर्थात जहां पर ये रहते थे इनका जहां मकान था उसके पीछे पर्वत श्रेणियां थी। तो कहते उन पर्वत श्रेणियों पर बर्फ जमी रहती थी। तो कहते हैं हाँ भवना मुखम सुभनानी सुसातुलानी क्षेत्राणी राजते सुमा। और भवना मुखम माने भवन के सामने या मकान के सामने, सुभनानी माने सुंदर, सुसातुलानी माने सुंदर हरे भरे, क्षेत्राणी माने खेत, राजते स्वा माने शोभायमान थे उनके मकान के सामने सुंदर कहते हरे भरे सुंदर घास वाले जो खेत थे क्षेत्र था वो शोभायमान था। आए कहते हैं अत्रत्यं प्राकृतिकम जीवनम बालकस्य मनो नितराम नितराम अर्मयत। कहते अत्रत्य माने यहाँ का प्राकृतिकम जीवनम, कहते प्राकृतिक जीवन था ऐसा बालकस्य माने बालक के मनो माने मन को नितराम माने अत्यधिक अर्मयत माने अच्छा लगा। वहां का जो प्राकृतिक चित्रण था प्राकृतिक वातावरण था तो वो बालक रविनाथ को बहुत अच्छा लगा। आए कहते हैं जनको देवेंद्रनाथ प्रतिदिवसम नवीनया पद्धतिया पाठ्यती स्म। उनके पिता देवेंद्रनाथ, जनको देवेंद्रनाथ था पिता देवेंद्रनाथ जो थे, कहते प्रतिदिवसम प्रत्येक दिन बालक माने बालक, कहते हैं जनका देवेंद्रनाथ था माने उनके पिता जो देवेंद्रनाथ थे, प्रतिदिवसम माने प्रत्येक दिन नवीनया पद्धतिया, नवीनया माने नवीन, पद्धतिया माने तरीके से ढंग से पाठतीसवा माने पढ़ाते थे। पाठन पितु पाठन शैली बालका रोजते स्वा, पितु माने पिता की पाठन शैली माने पढ़ाने का जो ढंग था वो बालका माने बालक अर्थात रविनाथ जी को रोजते स्वा माने अच्छा लगता था। कालांतरम हिमालया प्रतिवृत्त, कालांतरम माने कुछ समय के बाद हिमालया माने हिमालय से प्रतिवृत्त माने वापस लौट करके पुनः विद्यालय शिक्षा लेने, पुनः माने फिर से विद्यालय माने विद्यालय या विद्यालय की शिक्षा माने शिक्षा को लेवे माने प्राप्त किया। सप्तदश वर्ष देशियो रविन्द्रनाथ अष्ट सप्तति अधिका अष्टादश सप्तमे ईस्याब्दे सितंबर मासे भ्रात्रा न्यायाधीशेन सत्येन्द्रनाथेन सार्धं वीर शास्त्रम अध्येतुं लंदन नगरं गत्वा। बताते हैं सप्तदश, सप्तदश माने सत्रह, तो कहते सप्तदश वर्षीय रविन्द्रनाथ, अब रविन्द्रनाथ की उम्र जो है वो सत्रह वर्ष की हो गई थी तो सप्तदश वर्षीय रविन्द्रनाथ, सत्रह वर्ष के रविन्द्रनाथ अष्ट सप्तति, अष्ट
अष्टादश अठारह अर्थात 1800 कहते 78 ईस्वी को कहते इसे माने ईस्वी की सितंबर मास से सितंबर के महीने में भ्रात्रा माने उनके भाई कहते जिनका नाम था सत्येंद्र नाथेन सार्वभम कहते इनके भैया जो थे न्यायाधीश इनके भैया न्यायाधीश थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ तो न्यायाधीश भाई सत्येंद्र नाथ के शास्त्र माने शास्त्रविद शास्त्र विद माने कानूनी शास्त्र को अर्थात कानून को अध्येतो माने पढ़ने के लिए लंदन नगरम गत्वा ये लंदन को चले गए अर्थात एलएलबी करने के लिए ये लंदन चले गए। देव योगात रविंद्र श्रेष्ठ बैरिस्टर पदवी पूर्णता प्राप्त देव योगात माने भाग्यवश रविंद्रस माने रविन्द्रनाथ की बैरिस्टर पदवी जो बैरिस्टर की पदवी थी उपाधि थी पूर्णता माने पूर्णता को नागात माने नहीं लगा जिनकी एलएलबी पूरी नहीं हो पाई सा पितुर आज्ञा भ्राता सत्येंद्र नाथेन साकम असीत अष्टादश सप्तमी शताब्दे फरवरी मासे लंदन नगरा कालकाता नगरम आया कहते सा माने वह अर्थात रविन्द्रनाथ पितुर आज्ञा पिता की आज्ञा से भ्राता नरेंद्रेन साधम कर भाई नरेंद्र नाथ के साथ माने सात असीत माने अस्सी अष्टादश माने अठारह तो 1880 ईस्वी माने ईस्वी वर्ष के फरवरी मास माने फरवरी के महीने में लंदन नगरात माने लंदन नगर से कालकाता नगरम आया कलकत्ता में आ गए। इंग्लैंड देश से वर्ष द्वयावासे पाश्चात संगीत से सम्यक परिचया तेन लब्धा कहते इंग्लैंड देश से माने इंग्लैंड देश के वर्ष द्वयावासे दो वर्ष निवास करने के कारण क्योंकि ये जो थे इंग्लैंड में दो वर्ष निवास किया जिसे पाश्चात संगीत पाश्चात संगीत का संबिका माने अच्छी तरह से परिचय माने ज्ञान तेर माने उन्होंने लब्धा माने प्राप्त कर लिया। दो वर्ष के निवास काल में इंग्लैंड देश का जो संगीत था उसका ज्ञान उन्होंने अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया। आज यही तक कल आगे होगा। धन्यवाद।